इंटीरियर गलती करा था, लेकिन वह देखे किसी एज पर पोर्ट्रेट भी जरा सही सोसाइटी जमा कर दी पैसे मतलब सोसाइटी की बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। आठ साल में सोसाइटी जो पहले का समा खत्म हो गया जी, अस पहले करा दे मंत्री आया जो भी किया चलो ठीक है कोई साफ बता दिए, लेकिन इतने यार गवर्नमेंट यही इंस्ट्रक्शन है जेड़ा भी है सोसाइटी सही तरीके चलना है और जितने भी लोग सोसाइटी महीने में कमेटी काम करती है सोसाइटी महीने में तो कोई जी महीने करो छह महीने में इन्ने का दुख खरीदा इन्ने जी के पी सी एल ने दिता इन्ने सू नफा इन्होंने सोसाइटी दे दी है सर्टिफिकेट मिलेगा ये उस कर मैं सर सामने आज का ये जो समारोह है फंक्शन है ये आपको उस्ताद जी ने बताया कि इस सिलसिले में आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं उन सोसाइटीज़ को जो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और जिनको सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव जेएनके ने इशू कर दिया है उनको मैं अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इसके बाद उन जो भी उनमें कमियां थी जो भी गैप थे जो त्रुटियां थी वो सब दूर हो जाएंगी। आप सब जानते हैं कि जब एक सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर होती है उसको एक बाकायदा सर्टिफिकेट मिल जाता है इस प्रकार का तो वो कानूनी तौर पे लीगली सही मानों में सोसाइटी वजूद में आती है और जिसे हम कहते हैं उसको एक कानूनी मान्यता प्रदान होती है, उसको कानूनी तौर पे मान लिया जाता है कि सोसाइटी का एक वजूद है और वो जितने भी सरकारी कानून हैं स्कीम्स हैं गाइडलाइंस हैं उनके अंडर जितने भी लवाजमात अगर वो पूरा करती है जितने भी फायदे हैं बेनिफिट्स हैं सारी स्कीमों के चाहे वो कैपिटल फॉर्मेशन है चाहे वो ग्रांट मिलनी है चाहे वो अलग अलग स्कीमों का फ़ायदा उठाना है जो फील्ड में इंप्लीमेंट हो रही हैं वो रजिस्टर्ड सोसाइटीज उसके लिए हकदार हो जाती है।